Imagine a world, without. Without? Without what? You will get to know soon. Whatever. किससे बात कर रही हो चुगली? किसी से नहीं, तुम्हारे भूत से। जल्दी उठो, ऑफिस में जाना। सुनते हो? हाँ बोलो। कल का कीर्तन कितना मस्त था ना, वो प्रभु जी ने कितना मस्त गाया ना, सच में दिल के तार ही छू लिए है ना। सीरियसली यार, पता है उनकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन वो मृदंग वाले प्रभु जी ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे थे? मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि वो मृदंग वाले प्रभु जी ज्यादा स्टाइल नहीं मार रहे थे। मैं कुछ कह रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे सुन तो रहा हूँ। मैं कह रही थी कि वो मृदंग वाले प्रभु जी। मृदंग वाले प्रभु जी? क्या क्या एक्टिंग कर रही हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या ड्रामा शुरू हो गया तुम्हारा सुबह सुबह। एनीवे, आज ठाकुर जी कितने सुंदर दर्शन हुए थे ना, मैं क्यों अपना दिन खराब करूं। हाँ सुबह दर्शन बहुत सुंदर थे आज। तुम्हें ये सुनाई दिया? हाँ। अच्छा वो सुबह पुजारी को दर्शन के बीच में फोटो लेना जरूरी था क्या? तुम्हें ये सुनाई नहीं दिया? क्या सुनाई नहीं दिया? अच्छा आज सुबह टेंपल में सब कितना अच्छा जप कर रहे थे ना। हाँ सीरियसली यार, कितना मस्त वाइब्रेशन हो रखा था, मजा आ गया सच में। ये हो क्या रहा है मुझे, आज मैं जो भी कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? हैं? तुम नेगेटिव कब बोलती हो, तुम तो हमेशा पॉजिटिव बोलती हो ना। ओ कम ऑन अश्विन, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि वो माता जी ने कैसे पॉलिटिक्स करके मेरी। क्या मुंह फड़फड़ा रही हो? हे भगवान। अच्छा ये रिमेम्बर दैट मूवी? कौन सी? वो जिसको तुम क्रिटिसाइज करते रहते थे। हैं? अरे वो ही मूवी जिसको तुम बैन कराना चाहते थे, जिसमें पूजा पाठ की बहुत बुराई करी है, वो वाली। पीके। ये कौन सी मूवी है? अब बताती हूँ तुम्हें। अच्छा छोड़ो, कली की बात ले लो। तुम रात में मेरे चुगली ग्रुप पे चैट्स पढ़ के कितनी जोर जोर से हंस रहे थे, है ना? कौन सा ग्रुप? अरे दीदी वही ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया था। क्या बोल रही हो चुगली, कौन सा ग्रुप? हमारा तो वो ग्रुप था ना, प्योर डिवोशन वाला, जिसमें हम डिवोटीज को ग्लोरीफाई करते थे और शुद्ध भक्ति की बातें करते थे। वही तो दीदी, समझ ही नहीं आ रहा है ये मेरे व्हाट्सएप पे प्योर डिवोशन ग्रुप कहाँ से आ गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चुगली मुझे लगता है तेरी लाइफ ना भक्तिफाई हो गई है। भक्तिफाई हो गई है, पर अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, लेट्स भक्तिफाई। लेट्स भक्तिफाई। अरे चुगली को बोलो ना बाद में कॉल करने के लिए, शूट के लिए लेट हो रहा है। अच्छा सुन चुगली, शूटिंग का ना टाइम हो रहा है, डिवोटीज हमारी वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, सो बाय। हरे कृष्णा। ठीक है दीदी, बाय। अच्छा सुनो, कल जो वो ऑफिस में बवाल हुआ था तेरे को याद है? कौन सा बवाल? तुझे याद नहीं कैसे मैंने बॉस की बैंड बजाई थी, क्योंकि उस सीमा को तो रेज दे दिया सैलरी में। जस्ट बिकॉज़ सीमा बॉस की चमची है, बॉस इतना अनफेयर होगा हमारे साथ? क्या बड़बड़ाई जा रही है यार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? नहीं रुक, अभी बताती हूँ। खाली पेज क्यों दिखा रही है? अरे लिखा तो है, ध्यान से देख। तू पागल हो गई है? तू ध्यान से देख, लिखा हुआ है इसमें, अच्छे से तो लिखा है, देख। तू पागल हो गई है? अच्छा रुको 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 रुको, क्या करूं, क्या हो रहा है, सुन ही नहीं रहा है।
भैया ये आजकल गाड़ी वाले कितना गंदा चलाते हैं ना, इतना हॉर्न बजाते हैं, पूरा माहौल खराब करके रख रखा है ना। अच्छा भैया राहुल गांधी कितना अच्छा आदमी है ना। दीदी आप वो तो ठीक है, हैं अब तो राहुल गांधी की भी तारीफ होने लग गई। और ये भक्ति रोड़े कितना अच्छा जाने लेना। हाँ दीदी वो तो है। कैसे सुने ना किसी को मेरी चुगली, रब्बा वे ये क्या कर दिया रे, ना सुनता है कोई ये मेरी चुगलिया, ना जाने क्या गलती मैंने की जो तूने सबको भुला दी मेरी चुगली। निंदा करना धर्म है मेरा, मर जाऊं जो मैं चुगली ना कर पाऊं, दिन मेरा बीते चुगलियों में, अब इनके बिना मैं कहां जाऊं। भगवान अब आप ही मेरा सहारा हो, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसके बारे में गलत ही तो बोलूंगी ना, अच्छा कहां से बना के बोलूं। अब उसी दिन की बात ले लीजिए, वो अंकिता माता जी हैं मंदिर में मेरा पनीर लेके चली गई अपनी बर्फी बनाने के लिए और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। कहां गए? सॉरी भगवान, सॉरी, वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। अंकिता माता जी बहुत ही अच्छी हैं कृष्णा, उन्होंने इतनी अच्छी बर्फी बनाई थी आपके लिए, और वो कितनी अच्छी डिवोटी हैं, कितना वैष्णव सेवा का भाव है उनके अंदर, वो बहुत अच्छी हैं कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, सॉरी सॉरी, थैंक यू। कोई नहीं सुन रहा है, भगवान तक नहीं सुन रहे मेरी, कोई भी नहीं सुन रहा आसपास का व्यक्ति, किससे बात करूं, जाके दीवारों से बात करूं, पत्थर से बात करूं, किससे? अब तुम ही सुनो। तो जिस तरह ये चुगली को चुगली करने की खुजली होती है, उसी तरह ये चुगली, I mean not ये चुगली, but चुगली हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं निवास करती है,
और कब ये चुगली निंदा का क्रिटिसिज्म का रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों में बुरी क्वालिटीज ना देखें और उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। हो सकता है कि हमारे सामने कोई कुछ बहुत बुरा कर रहा हो, तब भी हमें उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी सारी बुरी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी। भगवान ने हमें ये मुंह दिया है और हम जब देखो तब किसी ना किसी की निंदा करते रहते हैं। सिर्फ अपनी निंदा नहीं करते और सबकी करेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके दोषों को ना देखें, हम उनके अंदर भगवान को देखें। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है दूसरों की निंदा करना, फिर चाहे वो डिवोटीज हो या फिर चाहे वो लोग जो भगवान को ना मानते हो। इसीलिए ना निंदा करो ना निंदा सुनो, क्योंकि काफी बार निंदा करने से ज्यादा निंदा सुनना खतरनाक होता है। ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करते रहना है, अच्छे से सिंसियरली एंडेवर करते रहना है, और एक दिन भगवान हम पर कृपा जरूर करेंगे। अब आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके बारे में दो अच्छी क्वालिटीज इस कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। वन सेकंड, नीचे हमने उड़ताकाश को और लेट्स भक्तिफाई को टैग किया है, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्पिरिचुअल चैनल्स को सपोर्ट करें। और अ स्पेशल स्पेशल थैंक्स टू साहिल प्रभु फॉर सिंगिंग दिस अमेजिंग सॉन्ग। निंदा करना धर्म है मेरा, लेकिन इट शुड नॉट बी द धर्म।